क्या आप उन बच्चों में से हैं जिनके मम्मी या पापा हमेशा कहते हैं, हमारे जमाने में इतने अच्छे ग्राफिक्स कहाँ होते थे, हमारे लिए तो वो कुछ पिक्सल्स ही आज के आर्टिक्स के बराबर थे। या आप ही वो मम्मी या पापा हो जो अपने बच्चों से कहते हो, हमारे जमाने में तो। खैर, अगर आप वो बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा के टाइम के पुराने गेम्स ट्राई करना चाहते हैं, या उन्हीं बच्चों के उम्र दराज पेरेंट्स जो फिर से अपना वही टाइम जीना चाहते हैं, अपना बचपन का गेम खेलना चाहते हैं, अपना फेवरेट 90s का डॉस गेम खेलना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है डॉस बॉक्स। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डॉस गेम्स की। मॉडर्न कंप्यूटर्स पर डॉस गेम्स काम नहीं करते क्योंकि डॉस काफ़ी पहले ऑब्सोलीट हो गए थे। तो आज के टाइम में इसके तीन सिंपल सॉल्यूशंस हैं, ऑनलाइन, वर्चुअल मशीन और डॉस बॉक्स। और ये वीडियो डॉस बॉक्स के बारे में ही है। अब सबसे पहले आप पूछोगे ये डॉस किस चिड़िया का नाम है, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो सिर्फ कमांड लाइन या टेक्स्ट बेस्ड था, यानी कि कोई GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसमें नहीं होता था। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कमांड्स लिख के ऑपरेट किया जाता था। डॉस के भी कई प्रकार थे और MS-DOS सभी डॉस में सबसे पॉपुलर हुआ। विंडोज 98 तक विंडोज डॉस बेस्ड ही होते थे। डॉस बॉक्स एक ऐसा फ्री एम्युलेटर है जो डॉस के प्रोग्राम्स और गेम्स आज के कंप्यूटर्स पे बिना किसी परेशानी के चलाता है। डॉस बॉक्स सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका है पुराने डॉस गेम्स खेलने का मॉडर्न PCs पर। अगर आप पहले भी डॉस पे काम कर चुके हैं तो आपको इसे चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमांड्स सिमिलर ही हैं। अगर आपने डॉस कभी यूज़ नहीं किया है तो आपको थोड़े बहुत कमांड्स जानने होंगे और ये ट्यूटोरियल आपको उसमें मदद करेगा। गो टू गूगल एंड सर्च फॉर डॉस बॉक्स। DOSBox.com ये ओरिजिनल वेबसाइट है और आप सीधा उनके डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं जो आपको सीधा डाउनलोड पेज पर ले जाएगा। डाउनलोड नाउ पर क्लिक कीजिए या नीचे आपके स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते ही आप सोर्स फोर्स पर रिडायरेक्ट होंगे और डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंस्टॉलर जहां डाउनलोड करना है चूज़ करना है एंड यू आर डन। इसके बाद आपको बस सिंपल इंस्टॉल करना है। कहाँ करना है ये आपकी मर्जी है, मैं अपने जी ड्राइव में इंस्टॉल करूँगा। एंड इंस्टॉलेशन इज डन। वीडियो बनाते वक्त विंडोज 10 64 बिट के लिए डॉस बॉक्स 0.74-3 लेटेस्ट वर्जन था। इससे पहले कि मैं डॉस बॉक्स चलाऊँ, कुछ गेम्स तो चाहिए होंगे ना खेलने के लिए, तो पहले मैं कुछ डॉस गेम्स डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि फ्री हैं। फिर से गूगल भैया की तरफ चलते हैं और पूछते हैं डॉस गेम्स। मुझे ये दो वेबसाइट्स DOSGames.com और DOSGamesArchive.com अच्छी लगी। दोनों ही वेबसाइट्स पर आपको काफ़ी बड़ा कलेक्शन मिल जाएगा डॉस गेम्स का। फ्री गेम्स भी हैं और डेमोज या ट्रायल वर्जन भी। पॉपुलर गेम्स लाइक Prince of Persia, The Elder Scrolls Daggerfall, The First Ever GTA, The Lion King, Mortal Kombat 3, The First Ever Need for Speed, Shadow Warrior, Doom, Wolfenstein 3D और Quake जैसे गेम्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा द फर्स्ट एवर फर्स्ट पर्सन शूटर Wolfenstein 3D, थैंक्स इट सॉफ्टवेयर एंड द फादर ऑफ FPS जॉनर जॉन कारमैक। और यहाँ से मैं द फर्स्ट ट्रू 3D फर्स्ट पर्सन शूटर गेम क्वेक को डाउनलोड करता हूँ। अनदर इट्स सॉफ्टवेयर जेम, अनदर ब्लॉकबस्टर ऑफ जॉन कारमैक। बाय द वे, आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन भी ये गेम खेल सकते हैं, बस आप गेम प्रोग्रेशन सेव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैं दोनों गेम्स की जिप फाइल्स को उन्हीं के फोल्डर में अनजिप कर लेता हूँ। मैंने पहले ये डूम और मारियो डाउनलोड कर रखे हैं। फिर से आते हैं डॉस बॉक्स पर। इस सेक्शन में मैं बताऊंगा कि किस तरह डॉस बॉक्स में गेम्स को चलाते हैं, कैसे माउंट करते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। तो यहाँ से मैं डॉस बॉक्स को रन करूँगा, मुझे रन एज एडमिन की आदत है। और ये है डॉस बॉक्स और उसके पीछे उसका कंसोल। आपको यहाँ जी ड्राइव दिख रहा होगा, यह डॉस बॉक्स का डिफ़ॉल्ट वर्चुअल ड्राइव है, इस पर ध्यान नहीं देना है। सामने जो ड्राइव का लेटर लिखा होता है आप उस ड्राइव में होते हैं। सबसे पहले मुझे वो फोल्डर जहाँ मैंने अपने डॉस गेम्स डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं
डॉस बॉक्स को बताना होगा ताकि वो उसे लोड कर सके। पहले मैं पूरा कमांड लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। माउंट का मतलब है हमें कुछ लोड करना है हमारे रियल हार्ड ड्राइव से डॉस बॉक्स में। सी का मतलब डॉस बॉक्स की वर्चुअल सी ड्राइव में हमें माउंट करना है। उसके बाद लिखना है हमें वो पाथ या एड्रेस जो आपको माउंट करना है। यहाँ मुझे अपना डॉस गेम्स वाला फोल्डर माउंट करना था तो मैंने वो लिखा है। और ध्यान दीजिए, मैंने पूरा पाथ कोट्स के अंदर लिखा है क्योंकि डॉस और गेम्स के बीच में एक स्पेस है और ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि डॉस बॉक्स को समझ नहीं आएगा ये नॉर्मल स्पेस है ये एक्चुअल में नाम में स्पेस है। इसलिए अगर पाथ लिखना है तो कोट्स के अंदर ही लिखे, अगर विदाउट स्पेस होता तो मैं सीधा लिख देता। इसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखा है ड्राइव सी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी जी डॉस गेम्स, यानी डॉस बॉक्स ने मेरा फोल्डर एज ए सी ड्राइव लोड कर लिया है। इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप आपकी रियल सी ड्राइव पर क्लिक करते हो तो सीधा डॉस गेम्स वाला फोल्डर दिखाई देगा, ना कि प्रोग्राम फाइल्स, यूज़र, विंडोज फोल्डर एक्सेट्रा। अब मैं उस सी ड्राइव यानी कि अपने डॉस गेम्स वाले फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। नोटिस मैं अभी भी जी ड्राइव में ही हूँ, पिछले कमांड से सिर्फ हमने माउंट या लोड किया था। तो सी के अंदर जाने के लिए हमें सिर्फ सी कोलन लिखना है, देन एंटर। हाँ, मुझे डूम खेलना है तो मुझे उस फोल्डर में जाना होगा, उसके लिए लिखना है cd, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी स्पेस डूम - बॉक्स। अब मैं डूम बॉक्स फोल्डर के अंदर हूँ। cd स्पेस फोल्डर का नाम, ये कमांड सिमिलर है सिर्फ डबल क्लिक करके किसी फोल्डर के अंदर जाने का, बिना गोई के ऐसा ही होता था। अब सिर्फ डूम लिखना है और डूम लॉन्च हो जाएगा। डूम और बाकी गेम्स का गेम प्ले देखने के लिए अपने स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक चेक करें। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अभी भी पुरानी सीडीज हैं या उन सीडीज की इमेज फाइल्स एज ISO बंद करके रखी है अपनी हार्ड डिस्क पर। मैंने भी अपनी एक सीडी एज ISO बंद कर ली थी अपनी हार्ड डिस्क पर काफ़ी साल पहले, क्योंकि ना सीडी ड्राइव चलती थी ठीक से पुरानी पीसी पे, ना मैं और ख़राब या स्क्रैच करना चाहता था अपनी सीडी को। और वो सीडी एक बहुत ही रेयर क्रिकेट गेम की है। आई एम क्वाइट श्योर कि ये क्रिकेट गेम आज भी कुछ ही लोगों के पास होगा पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। और वो गेम है EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 96। ये वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स में से एक है। हमने अपना पहला पीसी लिया था बैक इन 1998, जो कि एक प्री बिल्ट पीसी था। उस पीसी के साथ दो गेम्स फ्री मिले थे, एक क्रिकेट 96 और दूसरा रैली। एंड आप क्रिकेट 96 अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। अभी अबैंडन्ड वेयर है तो आई थिंक मैं इसे फ्रीली शेयर कर सकता हूँ ताकि बाकी लोग भी इस गेम को खेल सके। इस रेयर फ्री गेम के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा, सीडी से कैसे इंस्टॉल करें और इमेज फाइल से भी। सो सबसे पहले मैं क्रिकेट 96 की सीडी माउंट कर लेता हूं अपने वर्चुअल ड्राइव में। अब फिर से वही कमांड माउंट, क्योंकि हमें माउंट करना है, स्पेस डी। डी इसलिए क्योंकि पुराने टाइम में ए और बी आपकी फ्लॉपी ड्राइव होती थी, सी ड्राइव होती थी और डी सीडी ड्राइव। आप चाहें तो डी की जगह ई एफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जे कोलन बैक स्लैश, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी रियल जे ड्राइव जो अभी मेरी सी डी ड्राइव है वो डॉस बॉक्स माउंट करे। उसके बाद डैश टी, डैश टी का मतलब है हम माउंट का टाइप टी फॉर टाइप डिफाइन करना चाहते हैं, स्पेस सी डी रोम। तो इस पूरे कमांड का मतलब ये हुआ कि हम माउंट कर रहे हैं डॉस बॉक्स के डी ड्राइव में हमारी असली वाली जे ड्राइव, जिसका टाइप होना चाहिए सी डी रोम। अब मैं वो फोल्डर माउंट करूँगा जहाँ मुझे ये गेम इंस्टॉल करना है। मैं बेवकूफ़ जे ड्राइव एक्सेस करना चाह रहा हूँ जबकि डॉस बॉक्स में मैंने जे माउंट ही नहीं किया है, जबकि मुझे डी लिखना है, इसमें मैंने अपनी जे ड्राइव माउंट पहले ही कर दी थी। तो ये आ गया मैं डी में यानी सी डी में। इसके बाद मुझे क्रिकेट फोल्डर में जाना है तो आपको पता है क्या कमांड है, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद क्रिकेट। अब हम उस क्रिकेट फोल्डर में हैं और उसके बाद इंस्टॉल टाइप करना है और क्रिकेट 96 का सेटअप प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट सेक्शन में। किसी इमेज फाइल जैसे ISO, bin, dmg
MDF को भी माउंट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। इस बार माउंट की जगह लिखना है IMG माउंट, एंड यू गेस्ड इट राइट, IMG मतलब इमेज और माउंट मतलब माउंट, इमेज माउंट। फिर डॉस बॉक्स के डी ड्राइव में माउंट करना है तो डी, फिर वो फुल पाथ जहां आपकी इमेज फाइल है, आई थिंक विद एक्सटेंशन, फिर डैश टी क्या टाइप होगा और वो होगा CD-ROM, सिंपल राइट। हमें सी ड्राइव में माउंट करनी होगी वरना कैसे बताएंगे कहाँ इंस्टॉल करना है। इसके बाद फिर वही CD में जाके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलर सबसे पहले पूछेगा कि आपकी CD ड्राइव कौन सी है, तो अगर आपको याद होगा हमने अपनी असली सी ड्राइव यानी कि जे ड्राइव डॉस बॉक्स में डी में माउंट की थी, तो यहाँ डी टाइप करेंगे। अब ये पूछेगा कि मिनिमम इंस्टॉलेशन चाहिए या कंप्लीट। मिनिमम सिलेक्ट करेंगे तो वो साउंड फाइल्स इंस्टॉल नहीं करेगा और डायरेक्ट CD से ही साउंड चलाएगा। उस वक्त स्टोरेज की कमी होती थी तो ये तरीका था हार्ड डिस्क में स्पेस बचाने का। कंप्लीट करेंगे तो सारी फाइल्स इंस्टॉल होंगी। मैं कंप्लीट ही करूँगा क्योंकि स्पेस की कोई कमी नहीं है अपने पास। कहाँ इंस्टॉल करना है, सी में ही होगा क्योंकि हमने सी माउंट कर रखा है और उसके अंदर क्रिकेट नाम का फोल्डर बनेगा। मैंने फोल्डर का नाम Cricket 96 करने की कोशिश की पर एरर दिखाया इंस्टॉलर ने, सो आप भी वैसे ही करना एंड स्टिक विद द डिफॉल्ट नेम क्रिकेट। आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि सब सही है या नहीं, यू विल टाइप Y फॉर येस और इसके बाद गेम इंस्टॉल हो जाएगा। सेटअप फिनिश होते ही आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी, इसमें आपको साउंड की सेटिंग्स करनी है। मैंने बाकी सेटिंग्स ट्राई की थी पर उससे गेम स्टार्टिंग में ही हैंग हो रहा था, तो आपको ये सेटिंग्स रखनी है गेम को प्रॉपरली चलाने के लिए। सिलेक्ट साउंड ब्लास्टर एज कार्ड टाइप, उसके बाद क्लिक ऑटो डिटेक्ट सेटिंग्स, इससे वो बाकी की सेटिंग्स अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। डॉस बॉक्स के मैनुअल में भी वैसे यही लिखा हुआ है कि आप पहले ऑटो डिटेक्ट यूज़ करें, नहीं तो मैन्युअली सेट करें पोर्ट 220 IRQ7 और DMA1। इसके बाद टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ ये साउंड सुनाई देगा। डरे तो नहीं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है एंड इंस्टॉलेशन इज डन। अब आपको सिर्फ क्रिकेट टाइप करना है और Cricket 96 लॉन्च हो जाएगा। और हाँ, ये गेम CD मांगता है खेलने के लिए, तो आपको CD को माउंटेड ही रखना पड़ेगा जब तक आप गेम खेल रहे हो। Cricket 96 का गेम प्ले आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। तो ये हैं 8 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम आएंगे अगर आप डॉस बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो। फुल स्क्रीन में कैसे जाएं? सिंपली प्रेस ऑल्ट एंटर, जो यूजुअल फुल स्क्रीन का शॉर्टकट होता है। अगर आप ये हर बार नहीं करना चाहते तो आप इसे डॉस बॉक्स के ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं, जिससे आप जब भी डॉस बॉक्स लॉन्च करेंगे तो वो फुल स्क्रीन में ही लॉन्च होगा, पर ऑल्ट एंटर ज़्यादा ईजी है। बाय द वे, आप डॉस बॉक्स ऑप्शन स्टार्ट मेनू में जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर गेम फास्ट या स्लो चल रहा है तो प्रेस Ctrl+F11 टू स्लो इट डाउन और Ctrl+F12 टू स्पीड इट अप। अगर आप फुल स्क्रीन में नहीं है तो आप डॉस बॉक्स से टाइटल बार में साइकिल्स देख सकते हैं। बेसिकली साइकिल्स CPU की स्पीड डिफाइन करता है। बाय डिफॉल्ट ये डॉस बॉक्स के ऑप्शन में ऑटो पे सेट होता है, पर अगर जरूरत पड़े तो आप कभी भी Ctrl+F11 या 12 यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा रखा तो आपका CPU फालतू में यूज होता रहेगा। हमने सी माउंट तो कर लिया, पर अनमाउंट कैसे करेंगे? मुझे अगर कोई और फोल्डर सी में माउंट करना है तो पहले अनमाउंट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है mount-u /c, यू फॉर अनमाउंट और सी क्योंकि मुझे वही ड्राइव अनमाउंट करनी है। एक फोल्डर पीछे जाने के लिए CD... टाइप करें, इससे आप एक लेवल पीछे चले जाएंगे फोल्डर में। अगर आपके फोल्डर के नाम में 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स या लेटर्स हैं या स्पेस है तो वो कमांड नहीं चलेगा। जैसे मुझे इस Wolfenstein 3D के फोल्डर में जाना है तो मैं Wolf3D-box टाइप करके नहीं जा सकता, ना मैं फोल्डर का नाम कोट्स में लिख के बता सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे पहले लिखना होगा dir यानी डायरेक्टरी। इस कमांड से मुझे उस फोल्डर में जितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनके नाम मिल जाएंगे। जो फोल्डर्स हैं उनके नाम के सामने कैपिटल में dir लिखा हुआ है, तो मेरे इस एग्जांपल में Wolf3D-box का नाम है Wolf3D-1, इसलिए मुझे ये वाला नाम लिखना होगा अगर मुझे इस फोल्डर में जाना है तो। तो फिर से ट्राई करते हैं। टड़ा, ये डॉस बॉक्स के मैनुअल में भी लिखा है और जनरल प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है कि आप अपने फोल्डर्स सी में, सीडीज डी में और फ्लॉपीज ए या बी में माउंट करें। अब ये बहुत टायरिंग हो जाएगा अगर आपको हर बार डॉस बॉक्स लॉन्च करने के बाद डॉस गेम्स फोल्डर को माउंट करना पड़े। हर बार वही कमांड माउंट स्पेस सी डॉस गेम्स लिखते रहो या हर बार CD माउंट करते रहो, तो इन सब का एक सॉल्यूशन है और वो है AutoExec.cfg फाइल। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली,
खुद से। एग्जैक्ट मतलब एग्जीक्यूटिंग या एग्जीक्यूशन और CFG मतलब कन्फिग या कन्फिगरेशन। तो ये एक ऐसी फाइल होती है जो आपके किसी प्रोग्राम या गेम के लॉन्च होने के बाद सबसे पहले रीड होती है। मैं ऑटो एग्जैक्ट COD4 और वुल्फेनस्टाइन एनिमी टेरिटरी जैसे गेम्स में अपने की बाइंड्स और सेटिंग्स लोड करने के लिए किया करता था। और डॉस बॉक्स में आपको अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस डॉस बॉक्स के ऑप्शन वाली फाइल में जाना है और सबसे नीचे आपको AutoExec.cfg का सेक्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ अपने जो भी कमांड स्टार्टिंग में ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने अपना डॉस गेम्स वाला फोल्डर और क्रिकेट 96 की ISO फाइल माउंट करने का कमांड लिख दिया है। अब जब भी मैं डॉस बॉक्स लॉन्च करूँगा तो पहले से सब लोड हुआ पड़ा होगा, कन्वीनियंट। और फाइनली मैनुअल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कमांड कैसे लिखे समझ नहीं आ रहा या कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो आपको डॉस बॉक्स के मैनुअल में सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। मैनुअल में बहुत ही डिटेल में सभी सेटिंग्स, सब प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन को समझाया गया है। डॉस बॉक्स वालों ने सब कुछ कवर कर रखा है, तो आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रॉब्ली। अगर कुछ मैनुअल में नहीं है तो उसके लिए गूगल भैया तो है ही। तो ये था डॉस बॉक्स का ट्यूटोरियल। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको मदद मिलेगी अपने गेम्स खेलने के लिए। मैंने कुछ गेम्स खेल के देखे हैं और उनके गेम प्ले वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्रिकेट 96 का भी डाउनलोड लिंक और गेम प्ले वीडियो नीचे मिल जाएगा। अगर हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उन सब के साथ जिन्हें पुराने गेम्स खेलने में मज़ा आता है। और बाकी मैं नए पुराने गेम्स की वीडियोस तो डालता ही रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट या सजेशन हो या आपका कोई फेवरेट पुराने जमाने का गेम, डॉस ही नहीं कोई भी हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।